हेलो दोस्तों, हम बेबी चैनल में आप लोग को स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से मैं वीडियो लेकर आई हूँ निशा चौहान पर, क्योंकि मैं कल के ब्लॉग वीडियो में बताते हैं कि निशा चौहान के वीडियो में फिर कल लेके आएंगे। तो मैं फिर आज लेके आई हूँ निशा चौहान के वीडियो, क्योंकि बोल रही थी निशा चौहान ने, बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मेरा पति ने मुझसे आधा हक मांग रहा है। तो पति क्या आधा पत्नी में हक मांगता है, ये तो कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है ना। लेकिन उतना ही वो औरत समझने के लिए समझ गई, जो कमेंट में जो बोला था, जो जो वो समझ गई कि हाँ क्या है आधा हक। तो पत्नी का हक यही आधा होता है कि वो सिंदूर मांग रहा है, मुझे सिंदूर लौटा। तो अरे भंडुआ, तुम लोग सिंदूर की कीमत जानते हो कितना, कैसे? तुम लोग तो 2 रुपया के समझते हो ना, लेकिन ये 2 रुपया की कीमत नहीं है। जन्मो जन्म तक के सिंदूर का कीमत तुम लोग को जानेंगे। शर्म के मारे तो तुम लोग को डूब जाना चाहिए। वो तो बोल रही है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। अगर मैं इतना ही जानते ना, तो जितना कमाए थे ना यूट्यूब पर, सारा पैसा रख लेते। लेकिन इसका भड़ुआ के नहीं देते। अरे थोड़ा सा भी भड़ुआ, अगर शर्म होता ना तुम लोग को, थोड़ा सा भी लिहाज होता ना, तो तुम लोग डूब के चुल्लू भर पानी में मर जा, कुत्ता हरमजादा। हम तो यही कहना चाहते हैं इन लोग से कि अरे थोड़ा भी सुधर जा रे हरमजादा। तुम लोग कैसे हो रहे, तुम्हारा अगर यही हालत अगर तुम्हारी बहन की होती ना, तो तुम लोग तुरंत उसको दरवाजा पर जाता, तुरंत लाठी लठोल करता। तुम लोग क्यों नहीं मेरी बहन की रखोगी? अगर बेचारी पर गुजर रही है, आज उसको माँ नहीं है, उसको पापा नहीं है, तो तुम लोग ऐसे की हो? आज भी उसको आगे पीछे कोई नहीं है, तब भी तुम लोग ऐसे की हो ना? अगर आज उसको पास आगे पीछे रहता तो कोई नहीं बोलता। वो तो बोल रही है कि उन लोग रुपया के चौदह हुआ है, तुम लोग रुपया का भूखा है। आज रुपया देकर चली गई, इतना रुपया देकर जितना कमाए यूट्यूब पर, 1 लाख रुपया पूरा तुमको दे दिया। क्या तुम लोग चाहते हो उससे? वो तो बोल रही है कि मैं जिंदगी की मौत में ढकेल कर चले गए। तो तुम लोग चले गए ना?